नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कुमार और आज का हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों, हमारा ये 10वां लेक्चर है भारतीय संविधान पे। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये इनका वर्णन है जो वो भारत के संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक इनका वर्णन संविधान में आता है। जो हमारे देश के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व रखे गए हैं, इनकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो ये एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो नीति निर्देशक तत्व है हमारे संविधान में, वो कहाँ से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। और इसके बारे में एक और सवाल आता है कि ये वैधानिक शक्तियाँ हैं या नहीं है? तो ये वैधानिक शक्तियाँ नहीं है, इनको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये अनुच्छेद 38 में देखिए, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिस नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। मतलब ये नीति निर्देशक तत्वों में पहली बात है कि राज्य लोक कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। सामाजिक तौर पे भी न्याय मिले, आर्थिक तौर पे भी न्याय मिले और राजनीतिक तौर पे भी न्याय मिले। दूसरा है अनुच्छेद 39 का क, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था। तो ये भी एक व्यवस्था की गई थी कि समान न्याय और निःशुल्क व्यवस्था, हर व्यक्ति के लिए न्याय एक जैसा होना चाहिए। निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क मतलब आपको विधि सहायता निःशुल्क दी जाएगी। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था, अगर दो लोग एक जैसा काम कर रहे हैं तो भारतवर्ष में वो कहीं पे भी हैं तो उनको समान वेतन की व्यवस्था दी जानी थी। अनुच्छेद 39 का ख, सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। सार्वजनिक जो धन है, जो हमारी सार्वजनिक संपत्तियां हैं देश की, उनका स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार करना कि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके, जो सार्वजनिक हित है लोगों का वो उसका सर्वोत्तम साधन हो सके। अनुच्छेद 39 का ग है धन का समान वितरण, ये भी एक था कि सभी लोगों में धन का समान वितरण हो। अगला है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम पंचायतों का गठन, ये गांधीवादी विचारधारा से लिया गया है कि सभी पूरे देश में ग्राम पंचायतों का संगठन हो, और ये भारत में किया गया 73वें संविधान संशोधन के बाद। अनुच्छेद 41 है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। मतलब कुछ दशाओं में लोगों को काम, लोगों को शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया जाए। अनुच्छेद 42 है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति की सहायता का उपबंध। तो जो काम है उसके न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में प्रसूति सहायता का उपबंध भी निर्देशक सिद्धांतों में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 43 है कामगारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। जो कामगार हैं उनको उनके सहूलियत के हिसाब से मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, तो ये भी महात्मा गांधी के विचारों से लिया गया है। अनुच्छेद 44 है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। तो ये जो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है, ये जो हमारे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर थे, तो ये एक तरफ से अंबेडकर की सोच थी कि सभी नागरिकों के लिए समान संहिता हो। अनुच्छेद 46 है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। तो जो हमारी अनुसूचित जातियाँ हैं, हमारी अनुसूचित जनजातियाँ हैं और जो दुर्बल वर्ग हैं, मतलब आपके दुर्बल वर्ग में आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग भी आते हैं, महिलाएं भी दुर्बल वर्ग में आती हैं, क्योंकि जिस तरह से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ भेदभाव हुआ है, उसी तरह से महिलाओं के साथ भी बड़े लंबे समय तक भेदभाव हुआ है, तो इनको शिक्षा और आर्थिक संबंधी हितों की अभिवृद्धि। तो आप जैसे देखते ही होंगे कि महिलाओं, जो हमारी बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, उनके शिक्षा के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, उसी तरह अनुसूचित जातियों के लिए भी हैं, अनुसूचित जनजातियों के लिए भी हैं और दुर्बल, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए भी सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, आर्थिक सहायता है, कई चीज़ें की सहायता, कई अलग अलग तरह की सहायताएँ देती है सरकार। अनुच्छेद 47 है पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊँचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। मतलब हर व्यक्ति को उचित पोषण मिले, जीवन स्तर सभी का ठीक हो, कोशिश करे राज्य का मतलब है जो हमारी सरकारें हैं, जो हमारी व्यवस्था है,
तो राज्य इन सबके लिए अच्छे पोषण की व्यवस्था करे, सुनिश्चित करे कि लोगों को अच्छा पोषण मिले, लोगों का स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं मिले और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो। अगला है अनुच्छेद 48, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। देश में कृषि और पशुपालन का संगठन करना, इनको बढ़ावा देना। अनुच्छेद 48 का क है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। तो अनुच्छेद 48 के क में ये व्यवस्था भी की गई है कि जो हमारा पर्यावरण है हमको उसका संरक्षण करना है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसको हमको व्यवस्थित रखना है, उसकी हमें रक्षा करनी है, उसका संवर्धन करना है और वन और वन्य जीवों की रक्षा करनी है। अनुच्छेद 49 में है 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। तो जैसे जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों में हमारे यहाँ जैसे मंदिर हैं, जैसे केदारनाथ का मंदिर है, तो वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान हैं जिसमें जो राष्ट्र की संपत्ति है, तो उन वस्तुओं का संरक्षण करना ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण। जो हमारी कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है उनको पृथक करना, अलग अलग रखना। ये नहीं है कि कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य पे दबाव बना रही है, या न्यायपालिका, वैसे तो न्यायपालिका का कार्य तो है कि इनको कार्यपालिका को सही तरीके से काम करने के लिए गाइड करे, लेकिन फिर भी इनको पृथक पृथक रखना, एक दूसरे का जो है एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में ना जाएं, तो इस तरह की व्यवस्था। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। उपयुक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी अनुच्छेद हैं जो राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं, तो ये हम आगे देखेंगे। पहले ये है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो राज्य का कर्तव्य ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति हो, सुरक्षा हो, और इसमें इसको बढ़ावा दिया जाए। इसके हिसाब से जैसे दक्षिण एशिया है, तो दक्षिण एशिया में भारत की अनुच्छेद 51 के हिसाब से भारत की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखे, शांति बनाने में देशों की मदद करे अपने पड़ोसियों की, तो ये भी हमारे नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया था। तो ये हमारे 51 तक के हैं, इसके अलावा भी कुछ हैं और उनको भी नीति निर्देशक तत्वों में अतिरिक्त रूप से रखा गया है। जैसे अनुच्छेद 350 का क है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। ये भी एक जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, तो उनकी सोच थी कि भारत में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, तो ये भी अनुच्छेद 350 क में व्यवस्था की गई है कि हर जगह जहाँ जो मातृभाषा है उसको प्राथमिक स्तर पर बच्चों को शिक्षा उसी भाषा में दी जाए। अनुच्छेद 351 है हिंदी को प्रोत्साहन देना। तो ये भी एक व्यवस्था की गई थी कि पूरे देश में हिंदी को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अब ये देखिए, ये नीति निर्देशक तत्वों में लिखा गया है कि हिंदी को प्रोत्साहन देना। अगर ये कहीं और पे होता, निर्देशक तत्वों में नहीं होता, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता है, कि अगर सरकार चाहे तो सरकार इसमें ज़बरदस्ती कर ले, ऐसा हो नहीं सकता है। तो सरकार प्रोत्साहन दे सकती है, ऐसा नहीं बोल सकती है आप सभी लोग हिंदी बोलोगे या हिंदी में सारे कार्य होंगे। तो इस हिसाब से ये किया गया था कि हिंदी को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाए। तो ये जो हमारे नीति निर्देशक तत्व थे, वो हमारे जो समाजवादी सिद्धांत है, गांधीवादी सिद्धांत है और उदारवादी सिद्धांत है, मतलब जो सोशलिस्ट, गांधीयन एंड जो हमारे लिबरल हैं, ये तीनों पॉलिसियों को मिलके बनाया हुआ, तीनों जो हमारे तीन तरह की व्यवस्थाएं हैं, इन चीज सभी को, सभी में से कुछ विचार लेके हमारे नीति निर्देशक तत्वों को डिज़ाइन किया गया है। तो जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, वो हमारे उनके लिए ये कहा जाता है कि ये एक तरह का पोस्ट डेटेड चेक है, जो सरकार अपने हिसाब से, बैंक अपने हिसाब से उसको यूज करता है। ये केटी शाह ने इस बारे में ऐसा कहा था। तो दोस्तों, हमने नीति निर्देशक सिद्धांतों या नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जाना। तो अगर आपको इस तरह की वीडियो देखने हैं और अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।